आज का जो प्ले है डील वाली दुल्हनिया, ये इसकी जो निर्माता है वो मनीषा कटवानी है, मेरी दोस्त है, और इस बार वो भूमिका कर रही हैं इस प्ले में, किरदार निभा रही हैं लॉयर का। बहुत ही मजाकिया रोल है और बहुत ही फनी है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस गर्दिश में कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं कि हंसना ज़रूरी है, तो मैं प्लेस को ज़रूर आता हूँ जो कॉमेडी हो, कभी कभी सीरीज भी देख लेता हूँ। और लाइव परफॉर्मेंसेज जो होते हैं, थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें लाइव देखने मिलता है। पिक्चर तो आप कहीं भी देख सकते हो, यू नो, कभी भी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, थिएटर में देख सकते हो, या टीवी पे भी आती हैं पिक्चरें, तो वो लाइव नहीं होता। लाइव परफॉर्मर देखने में मज़ा आता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। विद्या के बारे में क्या कहना? विद्या डांसिंग में, मतलब उनको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, वो बहुत गंदा नाच रहे हैं, लेकिन ये प्ले डांसिंग के बारे में नहीं है, ये एक्टिंग के बारे में। तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और बहुत बहुत अच्छा किरदार निभा रही है विद्या, और मैं कहूँगा कि वो बहुत ही हॉट लग रही है इस नए रूप में, एंड आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। अभी इंटरवल हुआ है, सो वी जस्ट सीन हाफ ऑफ द प्ले, जॉर्ज। तो इंटरवल हुआ है एंड इट वाज नाइस, फर्स्ट हाफ वाज इंटरेस्टिंग, एंड सेकंड हाफ के लिए अभी बस जा ही रहे हैं, सो आई एम वेटिंग टू वॉच। वी केम बेसिकली फॉर मनीषा, सो हाँ विद्या सबका काम अच्छा है, मनीषा के लिए आए हैं, मनीषा हमारी दोस्त है अच्छी, सो इट वाज नाइस टू वॉच, शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर हियर, तो बहुत अच्छे से कर रही हैं, अच्छा भी लग रहा है। लाइव देखना कितना पसंद है? अच्छा है, बहुत पसंद है, सालों से देखता आ रहा हूँ, सो रंग चाटा में काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, सो इट्स नाइस। थैंक यू, थैंक यू। अभी तो चल ही रहा है, इंटरवल हुआ है तो अब तक तो मजा आ रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द प्ले। कैसा रहा अम्मी तो और विद्या का काम? आई थिंक दे हैव, उन्होंने एक अपना मुकाम बना लिया एज एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर एक्टिंग, इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम, अच्छा काम कर रहे हो एज एक्टर्स, हर कोई अपना किरदार अच्छे से निभा रहा है, तो इट्स फन। मुनीशा ऑल्सो, शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सपोर्ट हर, एंड पहली बार वो प्ले प्रोड्यूस कर रही है, और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाइन है, तो देखते हैं आप सेकेंड हाफ में कितना मजा आता है। लाइव देखना कितना मजा? लाइव देखना, लाइव देखना एक ट्रीट होता ही है, यू नो देयर आर नो रीटेक्स अनलाइक अ शूट, तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल एक लाइव शो देखना।